हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, आज हम फोटो एडिटिंग करने वाले हैं एकदम वॉकिंग पोज में, जो कि एकदम प्रो लगता है। तो सो गाइस, अब हमने हमारी फ़ोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। तो उसके बाद ये टूल वाले आइकन पर जाते हैं और सिलेक्टिंग वाले ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ से फ़ोटो को थोड़ा सा जूम कर दे, फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा माइनस कर देते हैं, -6 कर देते हैं। उसके बाद में सेचुरेशन को भी हल्का सा माइनस कर देते हैं और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एकदम परफेक्ट है। उसके बाद में हाथ को भी थोड़ा सा वाइट कर देते हैं, एकदम परफेक्ट है। फिर ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं, कॉन्ट्रास्ट को माइनस कर देते हैं, सेचुरेशन को भी माइनस कर देते हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एकदम परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ से हम डन कर देते हैं और अब हम हमारी फ़ोटो को सिंपली यहाँ जाके शेयर कर देते हैं। हमें शेयर करना है लाइटरूम एप्लीकेशन में, तो हमारी फ़ोटो शेयर हो चुकी है। सो गाइस, हमने हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन कर ली है। और सबसे पहले यहाँ पर हम जाते हैं लाइट वाले ऑप्शन पर और एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 0.20 परफेक्ट है। कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा माइनस कर देते हैं, -21, और हाईलाइट को भी हल्का सा माइनस कर देते हैं, -47 परफेक्ट है। और शेडो को हल्का सा माइनस करते हैं, -10 ज़्यादा हो गया, -6 रखते हैं। वाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 6 परफेक्ट है। उसके बाद में ब्लैक को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, +4 कर देते हैं, एकदम परफेक्ट है। उसके बाद में जाते हैं कलर वाले टूल पर और यहाँ से ऑरेंज टूल को हम थोड़ा सा यू को बढ़ा देते हैं, 18 परफेक्ट है। और सिचुएशन को हल्का सा माइनस करते हैं, -8 परफेक्ट है। उसके बाद में जाते हैं ल्यूमिनस पे और उसको रखते हैं हम 16 परफेक्ट है। उसके बाद में येलो वाले टूल को यू को हल्का सा माइनस करते हैं, सिचुएशन को भी थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। ग्रीन वाले में सिचुएशन को हल्का सा माइनस कर देते हैं, इस वाले टोन में यू को हल्का सा पूरा बढ़ा देते हैं, -98 तक, और सिचुएशन को हल्का सा शेयर कर देते हैं, +12 कर देते हैं। और उसके बाद ये कलर को हल्का सा बढ़ा देते हैं, -26 परफेक्ट है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको रखते हैं हम 32 रखते हैं, और सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देते हैं, 40 रखते हैं, 14, और ल्यूमिनस को भी हल्का सा बढ़ा देते हैं, इसको रखते हैं हम 18 रखते हैं, परफेक्ट है। इस वाले कलर के सेचुरेशन को माइनस कर देते हैं और यहाँ का हमारा काम एकदम कम्प्लीट हो चुका है। परफेक्ट है। उसके बाद में जाते हैं हम इफेक्ट्स वाले टूल पर, टेक्स्ट पर तो थोड़ा सा प्लस कर देते, +10 परफेक्ट है। क्लियरिटी को हल्का सा माइनस कर देंगे, -14, और यहाँ से सीधा हम बाहर निकल जाएंगे और जाते हैं डिटेल वाले ऑप्शन पर। नॉइज़ रेडिएशन को हल्का सा बढ़ा देते हैं, 44 कर देते हैं, डिटेल को कम कर देते हैं, 16 कर देते हैं, और कलर नॉइज़ रेडिएशन को बढ़ा देते हैं, इसको रखते हैं 39 रखते हैं, डिटेल को माइनस कर देते हैं, इसको रखते हैं 17। उसके बाद में आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो हल्की हल्की से स्मूथ हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। और अब यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो जाएंगे सिंपली शेयर वाले ऑप्शन पर और शेयर टू डिवाइस कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।